राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। अभी अभी कांग्रेसी सांसद श्री रणदीप सुरजेवाला का एक वक्तव्य सुनने में आया, जिसमें वो बड़े जोश में आकर के महाभारत की धरती, हो सकता है कुरुक्षेत्र में बोल रहे हों, तो ये घोषणा कर रहे हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो राक्षस है, वो राक्षसी प्रवृत्ति का है। और पता नहीं इनके पास ऐसा कौन सा मापदंड है जिससे ये देवताओं राक्षसों की तुलना करते हैं और उनको पृथक पृथक करते हैं। इन्होंने ये कैसे मान लिया फिर कि कांग्रेस को वोट देने वाले सभी देवता हैं? यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति इन राजनेताओं में और ऐसी निंदित भाषा, ऐसी गंदी भाषा बोलने की हो जाएगी, तो अभी भी कांग्रेस का जो पतन हुआ है, कहाँ तक कांग्रेस पहुँच चुकी है, इनको उसको दृष्टिगत रख करके अपना भाषण देना चाहिए। वैसे तो इनके बोलने से और कहने से कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि कुत्ते भूखते रहते हैं और हाथी अपनी चाल चलता रहता है। तो सुरजेवाला जैसे लोग कुछ भी बकवास करें, कुछ भी श्राप दें, वैसे तो श्राप शब्द और संस्कृत निष्ठ लोगों की दृष्टि से अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है श्राप। इनने ऐसी कौन सी तपस्या करी है, कितनों को इन्होंने अभी तक साप और वरदान दिए, पहले ये तो बताएं कि कितनी बांझों को इन्होंने बच्चे दे दिए, या कितने निर्धनों को इन्होंने धनवान बना दिया, कितने हारे चुनाव वालों को इन्होंने चुनाव जिता दिए। पहले ये खुद अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि ये कितने बड़े तपस्वी हैं, कितने बड़े सिद्ध और साधक हैं, कि इनके भीतर इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी ऊर्जावान उस पार्टी को साप दे दें और इनके कहने से वो पार्टी भस्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह की बकवास करना, ये अपने आप के भीतर के जो बुद्धि का दिवालियापन है उसका प्रदर्शन है और कुछ नहीं है। ऐसी बकवास करने वालों को कांग्रेस को चाहिए कि वो हटा दें, पर वहाँ तो कुएं में भांग पड़ी हुई है। ऐसे ऐसे बहुत से महारथी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हिंदू जनमानस के जेहन में अपनी जगह बनाई है, वो अमिट है, वो मिटने वाली नहीं है। कितने प्रयासों के बावजूद आखिर भारतीय जनता पार्टी को ही ये सौभाग्य मिला कि रामलला के विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया और आज इतनी धूमधाम से राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। काशी में कॉरिडोर बना, काशी में ज्ञानवापी का प्रकरण अब निर्णायक स्थिति में धीरे धीरे आता जा रहा है। इसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी यही असर होने वाला है भविष्य में, मुसलमानों की ये जगह भी छोड़नी पड़ेगी। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हो रहा है। धारा 370 हटी, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हटी। आज हमारे उत्तर भारत में योगी जी बैठे हुए हैं और जिस प्रकार मुस्लिम आतंकवाद पर नकेल योगी जी ने लगाई है, अच्छे अच्छों को जिन्होंने मिट्टी में मिला दिया, तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस ने और सपा ने तो सिवा मुस्लिम तुष्टीकरण के और कुछ नहीं किया। देखते रहिए धर्म की आवाज, धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।